वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लासेस। टूडेज टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, टूडेज टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। वी नोन हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ होल नंबर एंड अ नेचुरल नंबर ऑल्सो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ वी डिवाइड अ इंटीजर बाई अ इंटीजर। हियर यू नो डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सपोज इफ यू मल्टीप्लाई 5 to 3 यू विल गेट 15। So 15 divided by 5 is equal to what? 3. Or 15 divided by 3 is equal to what? Question क्या होगा? 5 होगा. Similarly, ये अगर लिखा हुआ है 4 into 3 is equal to 12. It gives 12 divided by 3 is equal to 4. Okay? So we can write multiplication statement and its corresponding division statements for integer. Now multiplication statements is here 2 into minus 6 is equal to 12. So we can write when you divide 12 by minus 6 is it gives quotient 2, and 12 divided by minus 12 divided by 2 is equal to minus 6. These two are the corresponding division statements of this multiplication statement. Okay, now for this minus 4 multiplied by 5 is equal to minus 20. So minus 20 divided by 5 is equal to what? Minus 4. Or minus 20 divided by minus 4 is equal to kya milega? Minus 5 milega. Here we have observed that when we divide a negative integer by a positive integer, we get a negative quotient. Okay, see in next page. Okay, isko karo sabhi log. Theek hai, try this. Minus 100 divided by 5 is equal to what? Minus 81 divided by 9 and this and this. Okay. Let's see the concept. We divide a negative integer by a positive integer. We divide them as a whole number and then put a minus sign before the quotient. Okay. When we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as a whole number and then put a minus sign before the quotient. जैसे यहाँ पे example आपको यहाँ पे दिया गया है example में. ये देखो सभी लोग ट्राई करने के लिए दिया गया है माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5. तो आप क्या करोगे 100 को 5 से डिवाइड करो आप. ठीक है, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन 20. यहाँ पे 100 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 0 मिल गया. ओके, ये हो गया 20. तो एज इट इज़ पहले 20 आप लिखोगे, 20 क्वेश्चन हो गया. अब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर दोगे. सिमिलरली माइनस 81 डिवाइड बाई 9, तो फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड 81 बाई 9, यू गेट 9. ओके, नाउ पुट नेगेटिव साइन हियर बिकॉज ऑफ 81 इज नेगेटिव ना. हियर वी हैव डिवाइड we have divided minus 81 by 9, so your quotient must be negative. Okay, 75 divided by 5, 75 क्या है, negative है. तो 75 को पहले divide करो 5 से, just like as a whole number हम लोग divide करते हैं तो क्या मिलेगा 15. अब उसके पहले क्या करना, हमें negative sign put करना. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 32, minus 32 को क्या करोगे 2 से divide कर दो तो क्या हो जाएगा, ये minus 16 हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा minus 16, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 16.
तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी आप नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन क्या मिल रहा, क्वेश्चन भी नेगेटिव मिल रहा। क्वेश्चन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके स्टूडेंट, हमने भी क्या सीखा, व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वी गेट कोशेंट एज अ नेगेटिव इंटीजर। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वेश्चन, देन पुट माइनस साइन बिफोर द क्वेश्चन। ओके, जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने 10 क्या है, पॉजिटिव है, इसको हमने किससे डिवाइड किया, माइनस फाइव से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन निगेटिव मिलेगा। ओके यहाँ पे माइनस टू लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो हमने आप लोगों की यहाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं। ट्राई दिस, 72 डिवाइडेड बाई माइनस 8, व्हाट विल बी द क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड 72 बाई 8 जस्ट लाइक एज अ होल नंबर, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर, वी प्रोसीड डिवीजन ऑफ 72 बाई 8, वी गेट वॉट 9, बट इन दिस पॉइंट आई हैव डिस्कस दैट व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाई ए नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर एंड देन पुट अ नेगेटिव साइन या माइनस साइन बिफोर द क्वेश्चन, सो हियर वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन। ओके अब इसको देखो, 72 को 9 से माइनस 9 से डिवाइड कर रहा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, और 50 को माइनस 10 से डिवाइड कर रहा हो तो क्या मिलेगा, माइनस 5 मिलेगा, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 10 मिलेगा। ओके 50 डिवाइडेड बाई माइनस 5 इज वॉट, फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड 50 बाई 5 देन पुट माइनस साइन बिफोर द क्वेश्चन, सो इफ वी डिवाइड 50 बाई 5 वॉट वी विल गेट 10 ना, सो पुट माइनस साइन बिफोर 10। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइड ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर फर्स्ट वी डिवाइड देम एज अ होल नंबर एंड देन पुट अ पॉजिटिव साइन। ओके सो फर्स्ट वन इज हियर, माइनस 12 डिवाइडेड बाई माइनस 6, माइनस 12 डिवाइडेड बाई माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट, फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड 12 बाई 6, तो क्वेश्चन क्या मिला हमें, 2 मिला। ठीक है अब यहाँ पे 2 मिला तो यहाँ पे प्लस 2 ही लिखना है। ओके हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव मिलता है, क्वेश्चन क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव मिलता है। ओके नेक्स्ट, माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करो पहले और उसके सामने क्या रखो, पॉजिटिव साइन रखो या ना रखो, बिकॉज आप यहाँ पे क्या है, डिविडेंड भी क्या है, नेगेटिव है और डिवाइजर भी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 32 डिवाइड बाई माइनस 8 क्या होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया हमने, माइनस 45 डिवाइडेड बाई माइनस 9 इक्वल टू प्लस 5। ओके नाउ नेक्स्ट, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई जीरो इज मीनिंगलेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एनी इंटीजर इफ यू विश टू डिवाइड बाई जीरो दैन दैट डिविजन इज मीनिंग लेस, दैट डिविजन इज नॉट हैव अ मीनिंग। ओके एंड
इफ यू विश टू डिवाइड जीरो बाई एनी इंटीजर यू विल डेफिनेटली गेट जीरो। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया गया, एक्सप्लेन किया गया है, फॉर एनी इंटीजर ए, ए डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू वॉट इज नॉट डिफाइंड। किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को, तो इसका क्या मतलब है? इट इज मीनिंग मीनिंगलेस। जीरो से डिवीजन का मतलब हुआ कि उसका डिवीजन ही नहीं हो रहा, मीनिंगलेस है। ठीक है, अगर किसी भी इंटीजर को, अगर किसी किसी भी नंबर को जीरो से मल्टी डिवाइड कर रहे हो, किसी भी इंटीजर से जीरो को डिवाइड कर रहे हो, तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। जैसे जीरो डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर इट विल गिव्स जीरो। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, व्हाट? व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय वन, व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय वन इट गिव्स द सेम होल नंबर। ओके, जैसे यहाँ पे टू को हमने क्या किया, वन से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? टू मिलेगा। और यहाँ पे थ्री को अगर वन से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? थ्री मिलेगा। फोर को अगर वन से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? फोर मिल जाएगा। और यहाँ पे फाइव को वन से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। ओके स्टूडेंट, वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, व्हेन यू डिवाइड एन इंटीजर बाय इंटीजर देन द क्वेश्चन मे बी इंटीजर और मे नॉट बी इंटीजर। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन क्या मिले? इंटीजर ही मिले। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, टू डिवाइड बाय वन, यहाँ पे क्या मिल गया? टू मिल गया। क्वेश्चन इंटीजर है, बट टू को अगर हम थ्री से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्वेश्चन इंटीजर नहीं मिलेगा। ये क्या मिलेगा? इज़ नॉट इंटीजर। इसका मतलब कि इंटीजर मे और मे नॉट बी क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, आई हैव डिस्कस्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मीन्स एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड फॉर इंटीजर एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर इंटीजर्स। बट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिवीजन इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर। सी हियर, टू डिवाइडेड बाई फोर इज नॉट इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई टू। सो वी कैन से दैट वॉट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाई इंटीजर। ओके, आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सिक्स, इट इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, इन अ टेस्ट प्लस फाइव मार्क्स आर गिवेन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड माइनस टू मार्क्स आर गिवेन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ओके, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कोई एक टेस्ट है जिसमें प्लस फाइव मार्क्स दिया जा रहा है। किसके लिए? प्लस फाइव मार्क्स इज गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड माइनस टू मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। प्लस फाइव मार्क्स क्या कर रहा है? करेक्ट आंसर कर रहा है तो प्लस फाइव दे रहा है, और नेगेटिव इनकरेक्ट कर रहा है तो माइनस टू मार्क्स अवार्ड कर रहा है। तो एक राधिका एक स्टूडेंट है, अब उसको देखो सभी लोग कितना मार्क्स मिला है एंड स्कोर 30 मार्क्स।
सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती है और क्या मिलता है उसको, 30 मार्क्स मिलता है। दो सी गॉट 10 मार्क्स, 10 करेक्ट आंसर, जबकि वो 10 क्या करती है, 10 ही करेक्ट आंसर करती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर सी हैज़ गिवन, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर, हमें क्या पता करना कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर को आंसर दी है। चलो, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इज़ वॉट, +5। मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर के लिए क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए क्या गया, कितना मार्क्स मिल रहा है करेक्ट आंसर करने के लिए, +5 मिल रहा है, तो 10 करेक्ट आंसर उसने किया है तो कितना मार्क्स हो जाएगा, 50 मार्क्स हो गया। क्या 50 मार्क्स हो गया किसके लिए, 10 करेक्ट आंसर के लिए हो गया। बट वी नो दैट राधिका का स्कोर कितना, टोटल स्कोर 30 है। ओके, सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 30, यू विल गेट दैट मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर बाय राधिका, इट इज़ -20। -20 मार्क्स क्या है, -20 मार्क्स उसको कब दिया गया, जब उसने इनकरेक्ट आंसर किया है। अब देखो सभी लोग, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट, 1 इनकरेक्ट के लिए कितना है, -2 मार्क्स है। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, वी हैव टू डिवाइड -20 बाय -2 ना, सो वी हैव टू डिवाइड -20 बाय -2, बिकॉज ऑफ -20 क्या है, -20 इज मार्क्स ऑब्टेंड बाई राधिका व्हेन सी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर, सी हैज़ गिवन इनकरेक्ट आंसर। ओके, सो इट इज़ -20 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू वॉट, 10। तो हमें क्या मिल गया कि राधिका ने 10 आंसर इनकरेक्ट किया है, राधिका ने 10 इनकरेक्ट आंसर किया है। ओके ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 1.5, नाउ एक्सरसाइज 1.4, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, -30 डिवाइडेड बाय 10, वॉट विल बी द कोशेंट वेन यू डिवाइड -30 बाई 10, हाउ विल यू डिवाइड, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड 30 बाई 10, जस्ट लाइक एज अ होल नंबर, वेन यू डिवाइड अ होल नंबर सो प्रोसीड लाइक दैट। तो जब इसको 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। बट हम लोग कर क्या रहे हैं, इसी निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, -3 पुट कर दोगे। ओके, आपको बताया है अभी लास्ट फर्स्ट पॉइंट ही बताया था, जब वैन वी डिवाइड, सेकेंड पॉइंट था वैन वी डिवाइड अ निगेटिव इंटीजर बाई ए पॉजिटिव इंटीजर देन डिवाइड देम एज अ होल नंबर एंड पुट अ निगेटिव साइन बिफोर द कोशेंट। ओके, फॉर दिस वैन यू डिवाइड 50 बाई -5, वैन यू डिवाइड 50 बाई -5, वॉट विल यू गेट, डिवाइड 50 बाई 5, इट विल गिव्स 10, बट पुट माइनस साइन बिकॉज ऑफ यू डिवाइड, यू आर डिवाइडिंग नाउ 50 बाई -5, -5 इज अ निगेटिव इंटीजर, 50 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो क्वेश्चन मस्ट बी निगेटिव। ओके, नाउ -36 डिवाइड बाई -9, सो डिविडेंट एंड डिवाइजर बोथ और नेगेटिव, सो कोशेंट मस्ट बी पॉजिटिव, सो वॉट विल बी द कोशेंट, +4। ओके, सिमिलरली यू कैन प्रोसीड इट, 0 डिवाइड बाई -12, यहाँ पे एफ को हमने सॉल्व किया है, एफ 0 डिवाइड बाई -12 इज इक्वल टू वॉट, इज इट 0। जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन दैट वेन यू डिवाइड 0 बाई एनी इंटीजर योर कोशेंट विल बी 0, ओके, योर क्वेश्चन विल बी 0। नाउ दिस
-12 -49 डिवाइड बाई 14 49 व्हाट विल यू गेट यू विल गेट -1 ओके 49 डिवाइड बाई 49 जस्ट लाइक एज अ होल नंबर सिमिलरली फॉर दिस 13 डिवाइडेड बाई -2 +1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिलेगा -1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे -13 ओके नाउ सॉल्व दिस ये इसको सॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करना होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ -36 डिवाइडेड बाई 12 अब यहाँ पे ब्रैकेट है तब डिवीजन का साइन 3 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे ये कौन सा काम करोगे ये काम करोगे कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो -12 डिवाइडेड बाई -36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू व्हाट -3 ना -3 आएगा इसको सिंप्लीफाई इसको पहले डिवाइड कर लोगे 36 को इसको 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा बट हम लोग क्या कर रहे हैं 12 इज पॉजिटिव -36 इज नेगेटिव ईयर -36 इज रिटर्न ना तो -36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू व्हाट -3 अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिवीजन बाई 3 या इसको भी डिवाइड कर दो 3 से तो क्या मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट -1 ओके -1 हो गया इसको सॉल्यूशन ओके अब इसको कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है आई को सॉल्व करोगे आप कैसे -6 प्लस 5 को पहले सिंप्लीफाई करो इट इज़ डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करो तो -6 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट -1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा तो ये इसको ऐसे डिवाइड कर लोगे -1 डिवाइडेड बाई -1 दोनों नेगेटिव इंटीजर है ठीक है अपने आपको भी जस्ट हमने बताया एक्सप्लेन किया कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय टू और नेगेटिव इंटीजर बाय या नेगेटिव इंटीजर योर क्वेश्चन मस्ट बी पॉजिटिव तो -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा ठीक है अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड एन इंटीजर बाय इट्स योर आंसर विल बी 1 योर क्वेश्चन विल बी 1 ओके जैसे आपको बोला हमने कि 20 को 20 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर क्वेश्चन क्या आएगा 1 आएगा ना क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके सिमिलरली व्हेन 2 -2 को अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो -2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा बताओ 1 ही मिलेगा ना 1 मिलेगा ओके अब यहाँ पे बताओ 20 को अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो 20 को इससे अगर आप डिवाइड कर रहे हो -10 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा बताओ -2 मिलेगा 20 को -10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आंसर -2 मिल जाएगा ओके चलो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया क्वेश्चन नंबर 2 को अभी रहने दो ठीक है यू कैन वेरीफाई नाउ क्वेश्चन नंबर 3 369 डिवाइडेड बाई 369 बाई ब्लैंक यहाँ पे लिखा हुआ है 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक है उसके बाद क्या लिखा हुआ 369 लिखा हुआ है तो ये कब आता है आपको बताया जब भी किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तब वही सेम इंटीजर हमें मिलता है ओके तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको यहाँ लिखना होगा 1 ठीक है नाउ चलो अभी इसको कर लो सी बी ए भी करेंगे -206 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल टू 1 जस्ट अभी हमने आपको बताया कि किसी भी इंटीजर को सेम इंटीजर्स उसी इंटीजर्स डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 1 आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप यहाँ लिखोगे -206 लिखोगे ओके
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, -75 डिवाइड बाई ब्लैंक इज़ टू -1। इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 75, 75 से इसको डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा, और पहले -1 लिखा हुआ है तो ये क्या मिलेगा आपको, -1 हो जाएगा। चलो इसको करते हैं, एफ कर लेते हैं। 48 को, 48 से किसी इंटीजर को डिवाइड किया है, क्वेश्चन क्या आया, -1 आया हुआ है। सो -1 आया है, सो थिंक अबाउट द सेम नंबर। ओके, 48 को 48 से डिवाइड कर दो तब तो 1 आता है, -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि -48 को डिवाइड किया है 48 से। सो -48 डिवाइड बाई 48 इज़ टू -1। ओके, अब देखो यहाँ पे सभी लोग इसको करना है हमें, ये तो ये करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको फाइंड करने के लिए आपको जो भी हमने आपको बताया कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट को डिवीजन स्टेटमेंट में लिखना। तो यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ है 12 डिवाइड बाई 4 इज टू -3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -3, यही ना। तो ये जो ब्लैंक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 में इसका मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 4 में इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, -12 लिखोगे, ठीक है, -12। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। वेरीफाई दैट ए इज़ डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए इज़ डिवाइडेड बाई बी प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू डिवाइड बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। एक कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट आप करोगे। ओके, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी क्या मिल जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है, -4 है प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई, इसको सिंपलीफाई कर लोगे आप, इसको सिंपलीफाई कर लोगे क्या मिल जाएगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो -2 मिल जाएगा। अब 12 डिवाइडेड बाई -2 क्या मिलेगा, -6 मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, -6 हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये देखना है ए की वैल्यू 12 है तो 12 डिवाइडेड बाई -4 ये हो गया, 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ए डिवाइडेड बाई सी है ना, तो सो 12 डिवाइडेड बाई 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 12 डिवाइड बाई -4 क्या हमें मिलेगा, -3 मिल जाएगा प्लस, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 मिल जाएगा, तो क्या मिल गया प्लस 3 मिल जाएगा, +3 मिल गया। और यहाँ पे क्या हमें मिला था, यहाँ पे क्या मिला था, 12 डिवाइड बाई -4 +2 -6 मिला था, तो -6 इज़ नॉट इक्वल टू +3 ना, -6 इज़ नॉट इक्वल टू +3, सो इट हैज़ वेरीफाइड ना, यही तो वेरीफाई करना था। हमें क्या दिखाना था यहाँ पे, हमें ये दिखाना था कि ये जो है इक्वल नहीं है, तो हमने क्या दिखा दिया, इक्वल नहीं है बिकॉज ऑफ -6, -6 इज़ नॉट इक्वल टू -6 इज़ नॉट इक्वल टू +3। ओके स्टूडेंट, -6 इज़ नॉट इक्वल टू +3, वी हैव वेरीफाइड दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दीज गिवेन वैल्यूज, दीज गिवेन वैल्यूज। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी इज टू -3।
वन सच पेयर इज सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू, सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू। कैसे करोगे इसको आप? वैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स डिवाइड, सिक्स माइनस टू दिया हुआ है। अगर हम लोग क्या कर लें, ये कर लिया सिक्स माइनस टू, माइनस सिक्स टू भी तो हो सकता है, एक पेयर तो ये मिल गया। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व फोर मिल जाएगा एंड ट्वेल्व माइनस फोर मिल जाएगा, फोर थ्री पेयर हो गए। अब देखो यहाँ पे माइनस फिफ्टीन और फाइव, माइनस फिफ्टीन फाइव एंड व्हाट, फिफ्टीन माइनस फाइव ये हो गया। फिफ्टीन को माइनस फाइव से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा क्वेश्चन, माइनस थ्री मिल जाएगा। और माइनस फिफ्टीन को फाइव से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा क्वेश्चन, माइनस थ्री मिल जाएगा। सिमिलरली इसको भी डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री मिलेगा। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन वी विल सॉल्व ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।